Hello guys, welcome to your own channel Banking Spartan. So today we are going to discuss about 24th March current affair. So without any delay, let's begin. So सबसे पहले हम important days जो है वो discuss कर लेते हैं. तो जो हमारा world tuberculosis day है, जिसको TB day भी बोलते हैं, वो कब celebrate किया जाता है? तो वो 24th मार्च को celebrate किया जाता है. तो इसकी theme क्या थी? इसकी theme है the clock is ticking. तो आप देख सकते हो ये द क्लॉक इज टिकिंग. ये वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की मनाया जाता है हमारा 24 मार्च को, और इसकी ये थीम है. नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं. तो नेक्स्ट डे जो इंटरनेशनल डे फॉर राइट्स, राइट टू ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर डिग्निटी विक्टिम्स, तो ये डे मनाया जाता है 24 मार्च को. किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा. ह्यूमन राइट वायलेशन और डिग्निटी विक्टिम्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 मार्च को. अब बात कर लेते हैं हम ऑबिचुरीज की. अभी किस किस के निधन हो चुके हैं? तो पोलिश पोएट, जो पोएट है वो एडम जेंगेस्वेकी का भी निधन हो गया है 75 इयर्स की एज में. एंड आप देख सकते हो ये है जेंगेस्वेकी, तो इनका जो है निधन हो चुका है अभी. तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर. तो रिसेंटली इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक, तो इंडिया की रैंक क्या थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? तो इंडिया की रैंक थी 40. कितनी थी? 40. तो 40 थी इंडिया की रैंक. और जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो रिलीज़ किया जाता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर. मतलब जो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, उसके द्वारा ये GIPC के द्वारा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स लॉन्च किया जाता है. और इसमें कितनी इकोनॉमीज थी? इसमें 53 ग्लोबल इकोनॉमीज थी. और अगर हम बात कर ले इसमें, तो इंडिया का जो ब्रिक्स में रैंक था, तो इंडिया का ब्रिक्स में जो सेकेंड रैंक था, है ना, सेकेंड हाइएस्ट ग्रोथ थी मतलब. और इंडिया का जो स्कोर था कितना था? इंडिया का स्कोर था 38.46%, जो कि लास्ट ईयर से ज़्यादा है. 36 था लास्ट ईयर. और ये कौन सा एडिशन है? ये 8th एडिशन है. कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का, याद रखिएगा ये. विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ बीन अवार्डेड ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट? तो ये रिसेंटली ग्रेट प्लेस टू वर्क जो है, किस जो सर्टिफिकेशन है वो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है? तो वो मिला है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को. किसको मिला है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये सर्टिफिकेशन मिला है. हु लॉन्च सर्टिफाइड ई टेंडरिंग पोर्टल प्रांति? तो जो प्रानित है, प्रानित किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भेल के द्वारा, BEL के द्वारा, पावर ग्रिड के द्वारा, NTPC के द्वारा. तो करेक्ट आंसर है पावर ग्रिड के द्वारा. अभी रिसेंटली ये लॉन्च किया गया. पावर ग्रिड का हेडक्वार्टर की बात करें तो पावर ग्रिड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में. इंडिया एंड विच कंट्री अनाउंस्ड जॉइंट कमीशन टू बूस्ट टाई इन एनर्जी? तो एनर्जी के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ में जॉइंट कमीशन किया है? तो वो है कतर, कुवैत, UAE या सऊदी अरेबिया. तो करेक्ट आंसर है कुवैत. तो रिसेंटली इंडिया ने कुवैत के साथ में जॉइंट कमीशन अनाउंस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री एग्री फॉर ग्रेटर कॉरपोरेशन इन पेटेंट वेरिफिकेशन? तो पेटेंट वेरिफिकेशन के लिए किस इंडिया ने किस कंट्री के साथ कॉरपोरेशन किया है? तो वो है जापान के साथ में. तो रिसेंटली जापान के साथ में इंडिया ने पेटेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉरपोरेशन किया. सेंटर अप्रूव्स MOU बिटवीन UPSC एंड विच कंट्री पब्लिक सर्विस कमीशन टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड सिविल सर्विस कमीशन IARCSC? तो रिसेंटली UPSC ने किस कंट्री के साथ में MOU साइन करा है और उसको सेंट्रल ने अप्रूवल दिया है? तो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या अफगानिस्तान? तो रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ में ये अप्रूवल दिया गया. UPSC ने अफगानिस्तान के साथ में ये MOU साइन किया. एज पार्ट ऑफ सागर, 4th इंडियन नेवल शिप जलसवा अराइव्ड एट पोर्ट इहोला
वेयर इट इज़ लोकेटेड, तो पोर्ट इलोवा कहाँ पर लोकेटेड है, तो पोर्ट इलोवा जो है वो मैडागास्कर में लोकेटेड है। कहाँ पर है वो, मैडागास्कर में। विच स्टेट यूटी लॉन्च्ड ई ऑफिस, ई हेली सर्विस, ई आगमेन एंड ई लाहुल फॉर लाहुल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो ये किस स्टेट यूटी में लॉन्च किया, ई ऑफिस, ई हेली, ई आगमेन और ई लाहुल? तो ये उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, बंदारू दत्ताचार्य, दत्तात्रेय, बंदारू दत्तात्रेय। द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस एंटर्स इंटू पार्टनरशिप विथ विच कंट्री टू सपोर्ट जल जीवन मिशन इन यूपी? तो जल जीवन मिशन यूपी में यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट UNOPS ने किस कंट्री के साथ में पार्टनरशिप करी है यूपी में जल जीवन मिशन के लिए? तो डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्कॉटलैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर है डेनमार्क। तो रिसेंटली डेनमार्क के साथ में UNPOS ने पार्टनरशिप करी है। विच कंट्री लॉन्च्ड सोयुज रॉकेट इनटू स्पेस कैरिंग 38 सेटेलाइट्स फ्रॉम 18 कंट्रीज? तो रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च किया सोयुज रॉकेट जो 38 सेटेलाइट लेकर जा रहा है? तो चाइना, रशिया, जापान या USA? तो करेक्ट आंसर है रशिया। और रशिया कौन कौन सी कंट्री का लेकर जा रहा है? एक तो तंजानिया, तंजानिया ने जिसका खुद का मैन्युफैक्चर करा है सेटेलाइट डबेट चैलेंज फर्स्ट। तो डबेट चैलेंज फर्स्ट किसका, तंजानिया का है। और बाकी जो अदर कंट्रीज़ है जैसे साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील है ना, तो इन कंट्री के सैटेलाइट भी इसके साथ में जाएंगे जो 38 टोटल सैटेलाइट है। तो ये थे आज के बेस्ट करंट अफेयर। सो इसी के साथ में हम वीकली करंट अफेयर भी कर रहे हैं, तो उसकी फर्स्ट पार्ट मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द रिलीज़ करने वाला हूँ और डेली करंट अफेयर भी मैं पोस्ट करता रहूँगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।